हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। दोस्तों आज मेरे पास एक आकाई कंपनी का 24 इंच एलईडी टीवी आया है रिपेयरिंग के लिए। तो आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम इसको रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा। चलिए हम सबसे पहले तो इसके अंदर एसी सिग्नल देता हूं और आपको दिखाता हूं कि आखिर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो मैं यहाँ पे एसी सिग्नल दे रहा हूँ, देखिए। और एसी सिग्नल देने के बाद यहाँ पे हमारा जो एलईडी है, यानी कि जो स्टैंड बाय का एलईडी है, वो तो जल रहा है। तो अब मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। यहाँ पे देखिए पावर बटन है, तो यहाँ पे मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ यहाँ पे। और पावर बटन को प्रेस करने के बाद ये हमारा टीवी जो है स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है। लेकिन दोस्तों स्टैंड बाय से रिलीज होने के बाद भी हमें जो डिस्प्ले पे कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और इसका जो बैकलाइट वो भी हमें कोई भी रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर लाइट जला के देखेंगे, इसका जो बैकलाइट है उस बैकलाइट को जला के देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी जो ग्राफिक्स है वो बन रहा है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे टीवी के अंदर ये भी होता है कि इसका बैकलाइट खराब हो जाने की वजह से इसके अंदर कोई भी पिक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसका जो ग्राफिक्स है वो देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, जब मैं इसके ऊपर लाइट दे रहा हूँ तो मुझे तो ऐसे में देखने को नहीं मिल रहा है कि इसके अंदर ग्राफिक्स बन रहा है कि नहीं। तो अब हम इसको ओपन करके देखेंगे, खोल के देखेंगे कि इसका जो बैकलाइट है वो खराब हुआ है ना इसका पैनल खराब हुआ है। खोलने के बाद ही ये हमें पता चलेगा। जल्दी से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों हमने टीवी को ओपन कर चुका हूं, और एक बार ओपन करने के बाद एक बार टेस्ट कर लेता हूं ताकि हमें पता चल जाए कि इसके अंदर जो बैकलाइट वो जल रहा है कि नहीं, ये हमें देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं इसके अंदर पावर दे रहा हूं, और पावर देने के बाद हमारा इंडिकेटर जो है यहाँ पे जल गया है, आप जैसे कि देख सकते हो। और अब मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ। देखिए दोस्तों ये स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है, लेकिन हमारा जो बैकलाइट है वो बैकलाइट नहीं जल रहा है, यहाँ पे देखिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इस बैकलाइट को यहाँ से ओपन करूँगा, जो बोर्ड से मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। और ओपन करने के बाद दोस्तों हम इसको चेक करेंगे, हमारा जो एलईडी टेस्टर है उस एलईडी टेस्टर के जरिए हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा बैकलाइट का जैक है, इस जैक को मैंने ओपन कर दिया हूँ। और क्योंकि ये बैकलाइट हमारा नहीं जल रहा है तो मुझे लगता है कि इसका बैकलाइट भी खराब हो सकता है, और इसका जो बैकलाइट स्ट्रिप जो है वो भी खराब हो सकता है। तो जब हम एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे बैकलाइट टेस्टर के जरिए, तभी हमें पता चल जाएगा कि इसका बैकलाइट स्ट्रिप खराब हुआ है या इसका बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन खराब हुआ है। चलिए आपके सामने मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारा बैकलाइट टेस्टर, मैं इस बैकलाइट टेस्टर को यहाँ पर रखता हूँ। और अब मैं चेक करता हूँ हमारा बैकलाइट जो स्ट्रिप लगा हुआ है इसके अंदर, उसको हम चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी मैं बैकलाइट स्ट्रिप को चेक कर रहा हूँ यहाँ से, तो हमें बैकलाइट जलने का कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो बैकलाइट है वो खराब हो चुका है, जो बैकलाइट स्ट्रिप इसके अंदर लगा हुआ है। तो अब मैं इसको रिमूव करूंगा, इसके अंदर जो बैकलाइट स्ट्रिप लगा हुआ है, और उसके जगह पे हम नया वाला स्ट्रिप को लगा दूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर कि इसके अंदर जो बैकलाइट स्ट्रिप का कंडीशन क्या है, क्या हम उसके अंदर जो बैकलाइट स्ट्रिप के एलईडी लगा हुआ है, जो एलईडी बीड्स होता है, हम उसको चेक कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों बहुत दिन चलने के बाद एलईडी टीवी क्या होता है कि एलईडी बीड्स जो है उसका लॉन्गजीविटी जो है कम हो जाता है। तो अगर हम उसको चेक करेंगे हमारा माइक्रोस्कोप के जरिए, और हम देखेंगे कि वो चलने लायक है या नहीं, अगर चलने लायक होंगे तो जो एलईडी खराब हुआ है सिर्फ उसी को ही हम बदलेंगे और बाकी को वैसे ही वैसे रह देंगे। और अगर हमें ऐसा लगा कि हमारा जो बैकलाइट स्ट्रिप है ये चलने लायक नहीं है, तो हम उसको पूरा बदल देंगे। दोस्तों हमने ये बैकलाइट के सारे जो पार्ट्स थे वो हमने निकल चुका हूँ, यानी कि जो रिफ्लेक्टर पैनल है वो हमने बाहर कर दिया हूँ। और अब इसको टेस्ट करते हैं कि दोनों में से कौन सा चीज़ जो ख़राब हुआ है। सबसे पहले इस स्ट्रिप को हम चेक करेंगे, इस
एलईडी टेस्टर के जरिए। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो कि हमारा ये जो स्ट्रिप है ये तो बिल्कुल सही चल रहा है, और हमारे जो एलईडी टेस्टर है उसके ऊपर भी आप वोल्टेज देख रहे होंगे 14.1 वोल्टेज जो है ये लोड ले रहा है। उसके बाद दूसरा स्ट्रिप को अगर हम मेजरमेंट करेंगे, चेक करेंगे, तो देखिए दूसरा जो स्ट्रिप है ये चल नहीं रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो स्ट्रिप को हमें बदलना पड़ेगा। तो हमारे पास ये स्ट्रिप अवेलेबल है या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर हमें क्या करना है। तो हमारे को एक ही स्ट्रिप खराब मिला है, तो हम अब एक एक करके चेक करेंगे कि कौन सा एलईडी बिट्स खराब हुआ है। एलईडी बिट्स का मतलब ये होता है कि दोस्तों स्ट्रिप के अंदर जितने भी छोटे छोटे एसएमडी एलईडी लगा होता है उसको एलईडी बिट्स बोला जाता है। देखिए हमारा ये जो एलईडी बिट्स है ये तो जल रहा है, तो जो हमें खराब मिलेंगे इस एलईडी स्ट्रिप के अंदर सिर्फ उसी बिट्स को हम रिप्लेसमेंट करेंगे और उस जगह पे हम नया बिट्स को लगा देंगे, क्योंकि ये जो टीवी है वो ज़्यादा दिन का नहीं हुआ है और इसका जो एलईडी बिट्स का कंडीशन है मैंने देखा कि बिल्कुल सही है। और अगर हम इसके अंदर एलईडी बिट्स लगा देंगे तो ये बिल्कुल सही तरीके से चलेंगे, कोई भी हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेंगे। देखिए ये दोनों बिट्स सही जला, और अब हम तीसरे को चेक कर लेता हूँ एक बार। और तीसरे को चेक करने के बाद आप देख सकते हो कि तीसरा नंबर का जो एलईडी है वो नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बीच वाला यानी कि तीसरे नंबर पे जो एलईडी बिट्स है सिर्फ उसी को ही हमें बदलना है। देखिए इसके अंदर 5 टोटल एलईडी लगा हुआ है, उसमें से एक एलईडी हमें खराब निकला है एलईडी बिट्स। तो यहाँ पे देखिए इस रिफ्लेक्टर के नीचे जो एलईडी लगा हुआ है सिर्फ हमें उसी को ही बदलना है, और बदलने का जो तरीका है जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो एलईडी बिट्स के ऊपर से इस एलईडी रिफ्लेक्टर को हम निकालेंगे, और रिफ्लेक्टर को निकालने के बाद ही हमें उस एलईडी को देखने को मिलेंगे जो कि नीचे लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो एलईडी लगा हुआ है वो दोस्तों 3 वोल्ट का एलईडी है, क्योंकि जब हम इसको चेक कर रहा था उस समय हमारा जो एलईडी टेस्टर है उसके ऊपर 3 वोल्ट लोड ले रहा था। तो देखिए अब हम इसको इस पीटीसी हीटिंग एलिमेंट के मदद से हम एलईडी बिट्स को रिमूव करेंगे, और उसके जगह पे हमारे पास ये देख सकते हो नया एलईडी बिट्स है, इस नया एलईडी बिट्स को वहाँ पे लगा देंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत सारे एलईडी बिट्स अवेलेबल है जो कि मैंने डायरेक्टली चाइना से मंगवाया था बहुत दिन पहले, जब मैं रिपेयरिंग का काम शुरू किया था लगभग 3-4 साल पहले। तो उस टाइम से मैं एलईडी बिट्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो एलईडी बिट्स यानी कि जो एलईडी स्ट्रिप बहुत दिन तक चलता नहीं है और मुझे लगता है कि ये रिपेयर के लायक है, तो उसके अंदर मैं इस तरीके का एलईडी बिट्स को इस्तेमाल करता हूँ बैकलाइट को रिपेयर करने के लिए। देखिए ये जो पीटीसी हीटिंग एलिमेंट है ये कैसे मैंने बनाया हूँ इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रख दिया हूँ, आप चाहे तो उस वीडियो को देख के आप भी बना सकते हो इस पीटीसी हीटिंग एलिमेंट यानी कि बैकलाइट रिमूवर को। देखिए हम इस बैकलाइट स्ट्रिप को उस पीटीसी हीटिंग एलिमेंट के ऊपर रखेंगे, और जब भी हमारा सर्टेन टेम्परेचर पहुंच जाएगा तब हम क्या करेंगे इस एलईडी बिट्स को हम स्ट्रिप से निकाल लेंगे। देखिए जल्दी से मैं निकाल लेता हूं और उस जगह पे मैं नया एलईडी बिट्स को लगा देता हूं। Thank you.
तो देख लिए दोस्तों बैकलाइट को रिपेयर करने का टेक्नोलॉजी। और मैंने जो आप लोगों को पहले बताया कि हमारा जो बैकलाइट स्ट्रिप होता है, अगर ज़्यादा दिन का नहीं हुआ तो उसके अंदर आप बैकलाइट स्ट्रिप को रिपेयर करके लगा सकते हो, और अगर बहुत दिन का हो गया आपका टीवी और उसके अंदर आप बैकलाइट को रिपेयर करके लगा रहे हो तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले, और अपने सारे रिश्तेदार के भी साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर उसके पास इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको भी पता चल जाएगा कि कैसे इसको रिपेयर किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।